आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आयो बच्चे होंगे और आप सभी को हैप्पी होली। आज तो सबने खूब रंगा है एक दूसरे को, लेकिन मैं जरा रंग से कम खेलना पसंद करती हूँ। थोड़ी एलर्जी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग लगा देते हैं। सासू माँ ने टीका लगा दिया है, तो क्या कहते हैं, बस मैं सफाई वफाई में लगी हुई हूँ क्योंकि बसंती आज नहीं आएगी। सफाई और खाना तो मम्मी जी बना ही लेंगी। सुबह सैंडविच वगैरह बन गए थे नाश्ते में, और बस झाड़ू पोछा निपट गया है, कपड़े धोती हूँ। बस मैं बच्चों को, मैंने थोड़ी देर बच्चों ने होली खेली, फिर मैंने उन्हें नहला दिया, और थोड़ा सा हम लोग घूमने भी जाएंगे। इनके दोस्त हैं नवनीत अग्रवाल भैया, तो जाऊंगी तो उनके यहाँ, जब जाऊंगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। शक्कर पारे और पिचकियाँ तैयार हो गई हैं, उसके पारे तैयार हो गए हैं, अभी चाशनी बनेगी। इधर मटरी और सेम मिस्टर पीपी तल रहे हैं, मैं बना रही थी। आटा मैदा मैंने गूंदा, ये लास्ट मटरी रह गई हैं, बस अब फिड़ी बनानी रह गई हैं, नानी स्पेशल फिड़ी। थोड़ा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, तो मिस्टर पीपी ने आज सहायता कर दी इन काम को। ये बलून्स मैंने फुला दिए हैं बच्चों के लिए, और खूब रंग खेल रहे हैं। ये देखिए रंगीन हो चुके हैं, और मैं तो अंदर ही रही, बस हल्का सा दरवाज़ा खोल रही थी और वीडियो बना रही थी। थोड़ी सी बनाई, मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं क्योंकि मैं घर के काम में लगी हुई थी। अब हम निकल चुके हैं मिस्टर प्रदीप पंत के दोस्त जो है नवनीत भैया, उनके यहाँ के लिए। जब बाहर निकली तो पता चला, बाप रे, लोग कितना ज़्यादा कलर खेलते हैं। ऐसे कोई निकल जाए, कोई ना तभी तो मैं बहुत क्या हम नवनीत भैया के यहाँ पहुँच गए हैं। वो शायद कॉलोनी का पूरा फंक्शन था, ये कुछ नगर पालिका टाइप का, कुछ मतलब पार्क टाइप का था, वहाँ पर कंट्रीब्यूट करके सब पूरे मोहल्ले वालों ने सेलिब्रेट करा था, और सब लोग थे। और यहाँ पर कोई मतलब प्रतियोगिता टाइप की चल रही थी, जिसमें कुछ इनाम जी हो रहे थे। और इधर बच्चों को जब ये झूला दिखा तो बच्चे, मेरे बच्चे यहाँ पर खेलने लगे। और इधर साइड में जहाँ पर ये मतलब आपको लग रहा शामियाना टाइप का लगा हुआ है, वहाँ पर खाना था, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बहुत अच्छा सा लगा, काफ़ी लोग मिल गए जिन्हें मैं जानती थी। Bye.
नवनीत भैया के यहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर आकर के मैंने ये बाहर पूरा इतना गंदा हो रखा था ना, सब ढंग से सफाई करी। जैसे सफाई वफाई करी तो मेरी देवरानी मीनाक्षी और अपनी बेटी तनु के साथ आ गई थी, तो हमने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा लिए, थोड़ा बातें कर रहे थे। तो पूछ रही थी आप कहीं नहीं गई, मैंने कहा ऐसे मैं कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं गई, बस नवनीत भैया के यहाँ गई थी। तो वो इधर उधर जा रही थी, उसे होली का लग रहा है, शौक ज़्यादा भी है, देखिए बोध भी कितना रखा है उसे। और तनु भी जबकि सर्दी जुकाम हो रहा है वो भी खूब भीग रही है। तो फिर ये लोग शायद कहीं और भी गए थे, मैं अभी तक जा नहीं पाई। और तनु मुझे घर को कलर लगा रही, घर भाग रहा है, हिमाद्रियों को कलर लगाएगी, मुझे कलर लगाएगी। तो खूब इंजॉय करा। तो बस यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ और कह रही हूँ ये है मेरी बड़ी बिटिया रानी तनु। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, हैप्पी होली।